हितेश आ रहा है आज अपनी नानी के घर। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज डेट है जल्दी डेट के फर्स्ट डेट है 21 अगस्त 2021। कल की डेट थोड़ा होगी थी आगे पीछे, मैंने पता नहीं 19 जुलाई बोल दी थी। तो बस जैसे कि आपको पता है कल है रक्षाबंधन और आज है सैटरडे, कल है संडे, तो कल है रक्षाबंधन। नानी के घर क्योंकि उधर भी राखी वगैरह बनानी होती है और हम भी जाएंगे। और आज सुबह हमने घास वगैरह निकाल दिया क्योंकि कल के दिन तो ना मम्मा होंगे ना चाची, इसलिए घास तो होना चाहिए पहले से। दीदी बिहारी घर को क्योंकि कल रक्षाबंधन है ना। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, आज घूमी घूमी करने जा रहे हो। घूमी घूमी करने जो मेरे को छोटी है वो दिए मैं तेरे को। आज का टाइटल, हितेश ने मेरी पैंट पहन ली। टाइटल पे टाइटल, टाइटल पे टाइटल, हितेश के टाइटल। अभी मुझे दीदी का फोन आया, दीदी भी घर को आ रही है तो दीदी को लेने जाना पड़ेगा और बाहर बारिश लगी है तो जाना तो पड़ेगा। मैंने बोला दीदी को पैदल आ, पर पैदल नहीं आएंगी मतलब बारिश लगी ना, फिर मैं चले जाता हूँ लेने। रक्षाबंधन है और भाई के नाते तो जाना पड़ेगा। तेरा कमर कमरा। सुबह से बारिश लगी है अब तो थोड़ी कम होगी ना, सुबह तो बहुत ज़्यादा थी। सो टाइम हो चुका है 11:11। देखो इधर खड़ा आने का फायदा, ऊपर से पानी नहीं गिरा नीचे तो इस साइड थोड़ी भीग गई, इसका तो कुछ नहीं है। हाँ ही तो शर्मिलू चरमंदे आयुष्मान जी जी समोसा। वो देखो मौसम कितना सही हो रहा है बाहर। दीदी लाइए राखी, देखते हैं कैसी कैसी है। मेरे को तो आ गई ना, मेरे पसंद हो गया। वाह दीदी कितनी वाली आई है। ओ भाई ओ ओ ओ ओ भाई दीदी मैं पहनूंगा ये वाली, तू ठीक है दीदी लाइए मैंगो खाने को। रुको इन लेना है, चीरुआ खाए मेरे को नहीं दे लेना दादी, ये काफी हां ये गैर खाएं रे। मामी जी ये गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, 1:50 हो रहे हैं। मतलब मैं अभी सो के उठा ना और मैंने देखा नहीं कि देश तो चले गया, मतलब मेरे को नींद आ गई थी और चले गया। उस टाइम मम्मा लाए पीने के लिए चाय जो कि थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। सोचा था कि ज़्यादा देर नहीं सोऊंगा, एक घंटा सोऊंगा, एक घंटे की नींद काफ़ी थी, अच्छा लगा सो के। उठते हैं सुबह, बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश तो बिल्कुल खत्म हो गई है पर अभी भी देख सकते हो पानी पानी है। और आज हमें जैसे धाम बोलते हैं हमारे यहाँ मंडी वाली धाम होती है तो उस तो मैं भी जाऊँगा और शायद पता नहीं दादी या मम्मा भी जाएँ, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा मतलब पेट भर के जिम जाएंगे। तो हितेश तो जा आया, हितेश भी सच बोलता है जब मैं नहीं होता तो वो भी बोर होता है, अब वो नहीं है तो मैं भी बोर हो रहा हूँ। अब दो छोटी छोटी यहाँ मैंने पहले लग ए भी है किधर, ये देखो ए इधर निकाल दूँ यहाँ से। कहाँ ये रखी इधर जी, ये तो मैंने हाथ से निकाल देनी। तो ये हो गया देखो हमारे जो बेल लगाई थी एक, उस बेल ने 7-8 गंगेरिया दे दी। जैसे कि आपको होता है हमारा परिवार है बड़ा तो लगभग 2 किलो सब्जी तो लग जाती है हर टाइम। चलो मैं तो हो गया रेडी, दादी जा रहे हैं मेरे साथ, बारिश लगी ना तो कुछ नहीं है, मतलब गीला रोड है थोड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है क्योंकि कहीं स्किट वगैरह हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और मम्मा और दीदी जा रहे हैं पैदल तो छत्ता नहीं था इसलिए नया छत्ता निकाला। इसके अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या लिखा है इसको, पर हाँ सही है वही छत्ता है जिसमें प्लस सोन ले जाया करता था पर यहाँ से टूट गया है। मम्मी देख लो कैसे ले जाओगे आप, चलो जाओ तब आ गए हम ठीक है। चलो दादी तब दादी की कूल चप्पलें कूल, चलो दादी कूल चलते हैं, हेलमेट वगैरह पहनते हैं फिर बाद में मिलते हैं। दादी ने बोला आपको भी ले आओ, बोले अब आ देख लो आप आ जाओगे दोनों। नहीं दोनों सेना चली सेना जा रही है, सबसे खतरनाक तो पीछे रह गया सेना सेनापति। खाना खा लिया, मजा आया, इतने दिनों बाद धाम खाते हैं ना, मतलब मंडी वाली धाम तो बहुत मजा आया। चलते हैं जिम की तरफ, आज खाया पता नहीं क्या होगा उधर, जाना कि बस का वेट। चल तो दीदी जा पैदल, गया मैं जाओ पैदल। बस बारिश हुई थी, सड़क के हाल हुए पड़े हैं बेहाल, कैन हाल की पहाड़ियों पर धुंध अभी तक है,
मेरा जिम जाना हो गया कैंसिल, वजह ये है। तो बोला इतना रहा खाना खा के तू जिम जाएगा तो वॉमिटिंग भी आ सकती है, इसलिए कैंसिल करते हैं। अब जा रहे हैं, इसको थोड़ा काम है उधर, तो मैंने सोचा इसके साथ चल पड़ते हैं, सैटरडे है। खतरनाक कीटाणु वायरस हो सकते हैं, इसलिए इधर से चलते हैं। तो अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है, ठीक है। अभी ना भगोरिया व्लॉग्स, तो जिम तो आज गए नहीं, ब्रश भी था लेने का तो मैंने ले लिया हो, क्योंकि पूरी तरह मतलब उसका कबाड़ा ही हो चुका था। न्यू ब्रश की अनबॉक्सिंग, लाइट इतनी आ रही है अभी, चीज़ें खुल जा भाई। तो मेरे को अनबॉक्सिंग करना नहीं आते, मैं बस चीर फाड़ कर देता हूँ ऐसे। हाँ दीदी के सिर में दर्द लगी है, ले दीदी पानी मतलब गोली खा सिर। जिम नहीं गया, उसका रीजन आपको पता ही है, मैंने कुछ ज्यादा खा लिया था ना, फिर मैं स्कूटी पर गया, वो तो ठीक था, पर जब पैदल चलने लगा जरा दर्द आ गया। हाँ मैं बोल रहा था कुछ, क्या बोल रहा था मैं, जिम नहीं गया। फिर मेरे दोस्त ने बोला भाई मतलब ऐसे फिर वॉमिटिंग वगैरह से, वो तो मैंने आपको बोल दिया था, मैं भूल जाता हूँ ना। आपके साथ लगभग एक दो महीने बाद मैं जा रहा हूँ ऊपरली मंजिल में, थोड़ा सा काम आ गया है। सो पहुंच गए, देखो पीछे देखो ना, आपने लाइब्रेरी वाला ब्लॉग जिस दिन जागृति दीदी आई थी, किताबें ढूंढने के चक्कर में किताबें बिखेरी हैं इधर, ये अलग से टाइम निकालना पड़ेगा जो कि अभी तक नहीं निकला है। कमरे के दर्शन भी करके जाते हैं। ओ वाह, ये देखो टेंट यहाँ पर था, एक चाची ने शायद पैक कर दिया होना। बाकी ये देखो, हाँ जी आया, रुको, अरे मिट्टी वगैरह गिर चुकी है सारी, और बाकी सिस्टम तो चलो ठीक है, नीचे धूड़ वगैरह भी नहीं है। और ये हमारी लाइट, ये हमारा पुराना यूट्यूब का पीछे मतलब क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं यूट्यूब। और ये हमारा हिंदुस्तान का मैप, और इधर रहते हैं हम। बालकनी नहीं खोलूंगा अभी, तो इधर आने का प्लान ही है ना, अब धीरे धीरे सर्दियाँ आई हैं तो सर्दियों में इधर सोचेंगे रहने की, क्योंकि गर्मियों में कहा तो पता है कि ऊपर छत बहुत गर्म होता है, फिर अभी यहाँ फैन भी नहीं है, फिर दूसरा सारा काम निकाल लो ना, अब भरना भी तो उसको भाई। पर्स बच बागबन, चली चली फिर चली चली, इश्क की हवा चली, हम तुम्हें प्यार कर बैठे। मैंने वीडियो बना ली थी, कैसा लग रहा मतलब। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स 21 अगस्त 2021 एंड वी आर हियर। इसको बंद क्योंकि चश्मा है बहुत ही येलो कलर का। क्लास में था उस टाइम की मेरी इंग्लिश सुनो, आई एम गिव द चेक फ्रॉम द माय फैमिली, ओके यू कैन सी आई एम गिव हर, ओके यस नो एंड आरा इज नॉट बिलीव हिम। वाह वाह ये क्या हो, ओ भाई हो, ये मेरे कारण में 10 लाख रुपए का चेक है, ये पता नहीं बिल बुल पड़े होते थे ना, अभी तो उसके ऊपर मैं ऐसे लिख देता था। माई ड्रीम बाइक हायाबुसा नहीं है, आर टू पावर, पता नहीं कौन सा खिलौना टाइप है कुछ। हैंड्स अप, ओ मतलब सॉरी। अभी 10:15 हो रहे हैं, तो इस टाइम हमने एक मूवी देखी दीदी और मैंने साथ में, जिस मूवी का नाम था शेरशाह, कैप्टन विक्रम बत्रा जो हिमाचल के पालन मुर्गे थे उनकी जो शौर्य गाथा बोल सकते हम देख पाए, और इस मूवी के जरिए बहुत मोटिवेट होंगे, प्राउड फील करेंगे, और जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, जो कारगिल युद्ध हुआ था 99 में। चाहता हूँ कि आपको सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप ये मूवी ज़रूर देखिए, जहाँ से भी देखिए देखना ज़रूर। पर जो असली विक्रम बत्रा थे उनकी स्टोरी मुझे जानने को मिली। बस आज के ब्लॉग को इधर एंड करते हैं, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, और शेरशाह मूवी ज़रूर देखना, दिल मांगे मोर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। बताओ आपकी मेहंदी, ये बताओ ही साथ ही।